नमस्कार दोस्तों। तो फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर चल रहा है बिग सेविंग डेज का सेल। तो चलिए आज के इसी पर हम बात करते हैं और जानते हैं कुछ इंप्रेसिव डील के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इनके तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर चल रहा है बिग सेविंग डेज का सेल जो कि चलने वाला है 16 मार्च तक। तो चलिए आज के इसी पर हम बात करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे डिस्काउंट वाले फ़ोन के बारे में कि आपको फ़ोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर किस तरीके से डिस्काउंट है और कैसे अप्लीकेबल करना है सभी के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन खोलना है और फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर अब जो सेल चल रहा है उसके अंदर कुछ इंप्रेसिव लेवल का डिस्काउंट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो रियलमी जी टी मास्टर एडिशन हो गया, या फिर रियलमी एक्स सेवन मैक्स हो गया, या फिर रियलमी जी टी न्यू टू हो गया, इन सारे फ़ोन पर अभी डिस्काउंट देने को नहीं मिला है। लेकिन ये सेल चलने वाला है 16 मार्च तक। तो बीच में ऐसा हो सकता है कि ये सब अभी डिस्काउंट देने को मिलेगा। तो अभी जो बजट रेंज के फ़ोन है जिस पर डिस्काउंट मिल रहा है उसके अंदर कुछ ऐसे फ़ोन के बारे में जानते हैं कि डिस्काउंट किस तरीके से है और आपको अभी बाय करना चाहिए अभी नहीं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले बैनर में देख पा रहे यहाँ पे सबसे पहला फ़ोन है जो कि है रियलमी 8 स्मार्टफोन जो कि काफ़ी इंप्रेसिव हो जाता है। और ये फ़ोन अभी आपको देने को मिलेगा बैंक ऑफर ऐड करने के बाद 12,749 रुपये में। इस प्राइसिंग में रियलमी 8 स्मार्टफोन काफ़ी इंप्रेसिव हो जाता है क्योंकि इसका जो ब्रांड है वो है 4128 का और यहाँ पर डिस्काउंट काफ़ी इंप्रेसिव लेवल का है। पहला है 2500 रुपये का प्रीपेड सेशन का डिस्काउंट, उसके बाद 750 रुपये का डिस्काउंट अगर आप SBI बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से डिस्काउंट है अभी रियलमी 8 स्मार्टफोन पर। उसके बाद उसके बगल में दिख रहा होगा ओप्पो रेनो 7 5G स्मार्टफोन जिस पर बैंक ऑफर ऐड करने के बाद ये फोन लेने को मिलेगा 27,000 में। लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि अगर आप इस फोन को एक्सचेंज पर लीजिएगा तो एक्सचेंज के अंदर एक्स्ट्रा में डिस्काउंट मिलेगा जो कि होगा 2,000 का। उसके बाद रियलमी के जितने भी फोन है जो कि अंडर 10K में आते हैं या फिर अंडर 10K में जो भी अदर स्मार्टफोन कंपनी का फोन आता है सभी पर भी काफी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है और बैंक ऑफर ऐड करने के बाद आप किसी भी फोन को सस्ते में बाय कर सकते हैं। उसका रियलमी 9i स्मार्टफोन है जो कि आपको बैंक ऑफर ऐड करने के बाद देने को मिलेगा 11,000 रुपए में। तो 11,000 रुपए में ये भी फोन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और रियलमी 9i स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसके अंदर भी स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है। तो ये भी फोन 11,000 रुपए में काफी अच्छा हो जाता है। उसका पोको की तरफ से एक फोन है जो कि एक 5G फोन है जो कि है पोको M3 प्रो 5G स्मार्टफोन। ये फोन काफी इंटरेस्टिंग है और इसका जो बेस ब्रांड है 464 का, इस पर अभी ऑफर चल रहा है और ऑफर को ऐड करने के बाद ये फोन देने को मिलेगा 11,500 रुपए में। तो 11,500 रुपए में पोको M3 प्रो 5G स्मार्टफोन काफी अच्छा हो जाता है। हालांकि इसके अंदर 5G बैंड काफी कम है लेकिन देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और अदर स्पेसिफिकेशन भी इस फोन का काफी अच्छा है। बस इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 8 MP का है, बाकी इस फोन का स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है और विशेषकर 11,500 रुपए में 5G फोन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अगर आपको बाय करना है 5G फोन तो आप जो है पोको M3 प्रो 5G स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो 11,500 रुपए में, काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। उसका Mi 11i सीरीज भी है, इस पे भी डिस्काउंट है लेकिन यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसमें से कुछ डिस्काउंट है बैंक ऑफर के अंदर, उसके बाद 4,000 रुपए का डिस्काउंट अगर आप एक्सचेंज करते हो। तो बेसिकली यहाँ पर फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर जो सेल चल रहा है इसके अंदर मेंशन ये है कि अगर आप ओल्ड फोन को देकर किसी भी फोन को लीजिएगा तो आपको यहाँ पर ओल्ड फोन का प्राइसिंग मिलेगा ही प्लस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जो कि सभी फोन के साथ यहाँ पर ऐड है। आप यहाँ पर देख पाओगे पहले जो डिस्काउंट था वो प्रीपेड सेशन के अंदर आता था लेकिन अब जो है स्पेशल एक्सचेंज ऑफर को मेंशन किया गया है, एक्सचेंज कीजिएगा तब जो है आपके ओल्ड फोन का प्राइसिंग में कुछ ज्यादा प्राइसिंग ऐड होके दिखेगा, ऐसा है कुछ यहाँ पर। उसका पोको का M4 प्रो 5G स्मार्टफोन है, ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसको बैंक ऑफर लगाने के बाद इन्हें को मिलेगा 14,000 रुपए में। उसका इन्फिनिक्स का नोट 11 स्मार्टफोन है जिस पर भी काफी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट ऐड करने के बाद आपको ये फोन देने को मिलेगा 10,749 रुपए में। तो 10,749 रुपए में इन्फिनिक्स का नोट 11 स्मार्टफोन काफी अच्छा हो जाता है। आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर जो इन्फिनिक्स का नोट 11 है इसके अंदर देखने को मिलता है AMOLED डिस्प्ले और बाकी स्पेसिफिकेशन भी इस फोन का काफी अच्छा है। यहाँ पर 464 का ब्रांड है, इसका प्राइसिंग है 10,749 रुपए और दूसरा ब्रांड जो है 6128 का, इस पर ऑफर ऐड करने के बाद ये फोन देने को मिलेगा 12,749 रुपए में। तो ये फोन इस प्राइसिंग में काफी अच्छा हो जाता है। उसके बाद मोटोरोला का G31 है जो कि एक 4G स्मार्टफोन है और इसके अंदर भी डिस्प्ले AMOLED है, ये भी फोन ऑफर में देखने को मिलेगा 11,249 रुपए में। तो इस प्राइसिंग में ये भी फोन काफी अच्छा हो जाता है। उसके बाद iPhone SE है, ये अभी आपको बैंक ऑफर के साथ देखने को मिलेगा 29,249 रुपए में। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो बिकॉज iPhone SE का प्राइस थोड़ा सा और डाउन होने वाला है। उसके बाद Realme 9 Pro सीरीज है, इस पर भी अभी काफी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है। पेशेस कर यहाँ पर जो Realme 9 Pro Plus है इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है और डिस्काउंट को ऐड करने के बाद आप इस फोन को बाय कर सकते हो ओनली 22,000 में। Realme 9 Pro Plus पर
किस तरीके से डिस्काउंट अप्लीकेबल करना है इसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नहीं तो ऊपर अवेलेबल में मिल जाएगा। उसका मोटो एज 20 फ्यूजन है जिस पर अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है और इस डिस्काउंट को ऐड करने के बाद ये फोन देने को मिलेगा 19,500 रुपए में। उसके बाद आपको यहाँ देने को मिलेगा रियल मी जीटी मास्टर एडिशन जिस पर अभी कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो आप इस फोन को अभी बाय भी मत कीजिएगा। देखो रियल मी जीटी मास्टर एडिशन इससे पहले देखने को मिल चुका है 15,000 रुपए के अप्रोक्स में। उसका मोटो का G40 फ्यूजन है, ये भी फोन काफी इंटरेस्टिंग है और बैंक ऑफर ऐड करने के बाद ये फोन देने को मिलेगा 13,749 रुपए का। 13,749 रुपए में ये भी फोन काफी अच्छा हो जाता है। उसके यहाँ पे विवो V23 प्रो 5G स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको जो है 3,000 का प्रीपेड सेशन का डिस्काउंट है, उसके 1,000 का बैंक ऑफर है और इन दोनों ऑफर को ऐड करने के बाद ये फोन देने को मिलेगा 40,000 में। जबकि विवो V23 प्रो 5G स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग है 44,000। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा फोन देने को मिल रहा है जिस पर काफी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है। मैं सभी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको बाय करना हो तो आप बाय कर सकते हो, बिकॉज कई सारे ऐसे फोन हैं जिस पर काफी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है। बाकी यहाँ पर जितने सारे फोन शोकेस हो रहा है सभी को अगर आप एक्सचेंज पर लीजिएगा तो सभी पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा में, ऐसा यहाँ पर ऐड किया हुआ है। उसके बाद इन्फिनिक्स नोट 11S स्मार्टफोन है, इस पे भी ऑफर है और इसके अंदर देने को मिलता है LCD डिस्प्ले और मिलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट। ये फोन बैंक ऑफर लगाने के बाद देने को मिलेगा 12,249 रुपए में। तो इस प्राइसिंग में ये भी फोन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसको Redmi 10 स्मार्टफोन है जो कि लॉन्च होने वाला 17 मार्च को। तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का है, लेकिन यहाँ पर जो भी डिस्काउंट है उसके अंदर कुछ इंप्रेसिव डिस्काउंट नहीं है। जैसे कि पहले हुआ करता था प्रीपेड सेशन का डिस्काउंट, वैसा वाला डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो भी ऑफर है वो एकदम बैंक ऑफर है और बाकी यहाँ पर जो ऑफर मेंशन किया गया है उसके अंदर यह कहा गया है कि आप इन सारे फोन को एक्सचेंज पर लेते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और कितना एक्स्ट्रा मिलेगा ये सभी फोन के अंदर मेंशन है, आप यहाँ पर देख पाओगे। तो अगर हम कुछ हॉट डील की बात करें तो आप जो है पोको M3 प्रो 5G स्मार्टफोन या फिर Realme 8 स्मार्टफोन या फिर Realme 8i या फिर Realme 9i स्मार्टफोन या फिर कुछ इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन है उनको बाय कर सकते हैं, उस पर अभी काफी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है। कुछ ऐसे ही फोन है जिस पर प्री पे सेशन का डिस्काउंट है तो किसी पर अच्छा खासा बैंक ऑफर है, तो इन सारे फोन को काफी कम प्राइसिंग में बाय किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करें कि Realme X7 Max हो गया या फिर Realme GT Master Edition हो गया या फिर Realme GT Note 2 हो गया, इन सारे स्मार्टफोन पर भी डिस्काउंट देने को मिल सकता है। बिकॉज जो सेल है बिग सेविंग डेज का ये चलने वाला है 16 मार्च तक, तो इसके बीच में हो सकता है कि इन सारे फोन में से कोई एक स्मार्टफोन देने को मिले काफी कम प्राइसिंग में। बिकॉज अभी जो है ऑफर फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर इसके अंदर आप जो है एक्सचेंज करके काफी कम प्राइसिंग में इन सारे स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो और यहाँ पर कोई भी ऐसा फोन नहीं जिस पर इंप्रेसिव लेवल का डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आएगा प्रीपेड सेशन वाला। तो आपको जो थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिकॉज सेल चलने वाला 16 मार्च तक, तो इसके बीच में हो सकता है आपको फिर से इन सारे फोन पर डिस्काउंट अच्छे लेवल का देने को मिल सकता है। तो आपको जो वेट करना है और आपको कम प्राइसिंग का फोन बाय करना है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। कम प्राइसिंग के साथ किस तरीके से डिस्काउंट है इसके बारे में आपको ही बता दिया। तो बस आज के इस वीडियो में ही बता रहा था, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आऊंगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछो। धन्यवाद।